तो इंद्री के बीबापुर जटाव गांव में सांसद कार्तिक शर्मा पहुंचे। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा का यहां स्वागत हुआ। गर्मजोशी के साथ ग्रामीणों ने सांसद कार्तिक शर्मा का स्वागत किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से फूल मालाएं पहनाकर सभी ने सांसद कार्तिक शर्मा का स्वागत किया। बीबापुर जटाव गांव की ये तस्वीरें हैं। आज करनाल के दौरे पर सांसद कार्तिक शर्मा इंद्री पहुंचने पर, बीबापुर जटाव गांव पहुंचने पर किस तरह से उनका स्वागत हुआ, ये तस्वीरें आपके सामने। जनसभा को भी यहां पर सांसद कार्तिक शर्मा ने संबोधित किया। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा का यहां पहुंचने पर किस तरह से स्वागत हुआ, ये तस्वीरें गर्मजोशी से बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा सोनीपत के दौरे पर भी पहुंचे। सोनीपत के मलिकपुर गांव पहुंचने पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा का स्वागत हुआ। यहां पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने बयान भी दिया। विपक्ष पर कार्तिक शर्मा ने हमला बोला, कहा कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। एक तरफ मोदी का चेहरा है तो दूसरी तरफ कोई चेहरा नहीं है विपक्ष के पास। पीएम मोदी ने देश में कई काम किए, राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देकर नरेंद्र मोदी को पीएम एक बार फिर से बनाना है। ना सिर्फ करनाल का दौरा राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा का, बल्कि सोनीपत भी वो पहुंचे। सोनीपत पहुंचने में भी उनका जोरदार स्वागत किया गया मलिकपुर गांव के लोगों की ओर से। और इस दौरान बयान भी सांसद कार्तिक शर्मा ने दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, विपक्ष के पास चेहरे की कमी है। एक तरफ मोदी का चेहरा है एनडीए के पास, वहीं इंडिया अलायंस के पास कोई भी चेहरा नहीं है। कार्तिक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 10 साल में कई बड़े कार्य किए गए हैं, कई बड़े काम किए गए हैं और एक बार फिर से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही वोट देंगे और तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। इंद्री के समौरा गांव पहुंचे सांसद कार्तिक शर्मा। समौरा में राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा का भव्य स्वागत हुआ। ग्रामीणों ने कार्तिक शर्मा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सांसद कार्तिक शर्मा का फूल मालाओं से स्वागत हुआ। इस दौरान सांसद कार्तिक शर्मा की ओर से सभी लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया गया। आज हरियाणा में कई अलग अलग जगहों के गांवों का दौरा राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा कर रहे हैं और सभी जगहों पर उनके पहुंचने पर एक अलग उत्साह लोगों में देखने को मिला। सभी जगहों पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत लोगों ने किया। ये समौरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा यहां पहुंचे तो लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन भी सांसद कार्तिक शर्मा की ओर से किया गया।